क्या भाई लोग, भूख लगी है तो घंटी दबाने का और नई नई रेसिपीज चेक करने का। हाय, आई एम शेफ आशीष, आपका फूड तक में स्वागत है। आज मैं बिग मशरूम कैप बनाने जा रहा हूँ। बिग मशरूम कैप के लिए बटन मशरूम लेंगे और इसको चॉप करेंगे, बारीक बारीक पीसेस में काटेंगे। बारीक कटा हुआ मशरूम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल गर्म हो गया, फिर गार्लिक डाला, गार्लिक को थोड़ा सा भून लेंगे। अभी भूना, इसमें स्मेल आने लगी, इसको तब तक हमारे को भूनना है जब तक इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए। अब इसमें मशरूम को टॉस कर लेते हैं, जो साबुत मशरूम थी। ये मशरूम 2 से 3 मिनट तक थोड़े मीडियम टू हाई हीट पे पकाना है। और ये मशरूम अब अभी तैयार हो गया है स्टफिंग करने के लिए। एक एक करके निकाल लेंगे इसमें, एक अलग से पैन में। सिंपल, आसान और स्वादिष्ट रेसिपी। और ये जो बाकी बचे हुए जो बारीक कटे हुए मशरूम है उसको हम वापस डालेंगे इस पैन में, सेम पैन में। इसको थोड़ा फर्दर कुक करेंगे। जब इसको कुक करेंगे तो इसकी स्टफिंग बनाएंगे, क्रीम और चीज़ इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी सी सॉल्ट पेपर पैन में वैसे ही पहले डाला हुआ था, थोड़ा इस के लिए और डाल लेते हैं। अब इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट डालते हैं। ये फ्रेश क्रीम है, सो दैट मशरूम में थोड़ी बाइंडिंग आ जाए। थोड़ा और स्वादिष्ट बनाने के लिए ये पार्मेसन चीज़ डाल लें। आप इसमें नॉर्मल कोई और भी प्रोसेस चीज़ जो मार्केट में रेडली अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। और ये फर्दर इसको हम कुक करेंगे। अब इसकी स्टफिंग करेंगे हम एक एक करके मशरूम के अंदर और फिर अवन में बेक करेंगे। मशरूम मिक्सचर रेडी हो गया। अब हम इस जूसी क्रीमी मशरूम के स्टफिंग को इस मशरूम में एक एक करके स्टफिंग करेंगे इस तरह से। और फिर उसके बाद इसको अवन में बेक करेंगे। और ये हमारे बिग मशरूम कैप्स तैयार है। अब इसके ऊपर थोड़े थोड़े चीज़ डालेंगे। इसके ऊपर कोई सा भी चीज़ आप डाल सकते हैं, प्रेफरली प्रोसेस चीज़, पार्मेसन, इस तरह की हो। तो अब इसको मैं अवन में बेक करता हूँ। और ये मशरूम बेक हो गए। अब इसकी प्लेटिंग करेंगे हम एक एक करके। ये प्लेट मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था और ये हमने प्लेटिंग कर दिया। ये बेक मशरूम कैप्स बनके तैयार। और इस तरह की और स्वादिष्ट रेसिपी के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।